हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस हफ्ते फाइनली थिएटर में रिलीज हो चुका है तमिल लैंग्वेज की मूवी द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जिसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर तलपति विजय, प्रभु देवा, स्नेहा, मीनाक्षी चौधरी के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलते हैं। जहाँ इस मूवी को अब तक थिएटर्स में रिलीज हुए फर्स्ट डे कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करूंगा। जो कि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे द गोट मूवी का जो टोटल बजट है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास का है, जिसमें कि इस मूवी का प्रमोशन अमाउंट भी ऐड है। और इस मूवी का इतना बजट होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि इस मूवी का जो लीड एक्टर मतलब कि थलापति विजय है, उन्होंने ही इस मूवी को करने के लिए लगभग 200 करोड़ के आसपास का चार्ज किया है। क्योंकि इस मूवी के बाद थलापति विजय फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक लेने वाले हैं और शायद आने वाले कुछ साल तक हम उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में देख भी नहीं पाएंगे। तो उसी के चलते ये उनकी आखिरी मूवी है जिसके लिए वो इस मूवी के लिए दबा के चार्ज कर रहे हैं। जहाँ पे इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 6000 के आसपास के स्क्रीन प्लेस किया गया है। जहाँ पे मूवी वैसे तो तमिल लैंग्वेज की मूवी है, बट इस मूवी को वर्ल्ड वाइड लगभग तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी लैंग्वेज में भी थिएटर्स में रिलीज किया गया। हाँ, वो बात अलग है कि इस मूवी को हिंदी में डब तो किया गया है, बट ना के बराबर इस मूवी का स्क्रीन हमें नॉर्थ साइड में देखने को मिल रहा है, जिसका कि सबसे बड़ा रीजन यही है कि इस मूवी का जो ओटीटी डील है वो काफी बड़ा होने वाला है। तो उसी के चलते इस मूवी को हिंदी में डब तो किया गया, बट इसे ज्यादा स्क्रीन पे हिंदी लैंग्वेज में रिलीज नहीं किया गया, जिसके वजह से इस मूवी का जो अलग से हिंदी लैंग्वेज का कलेक्शन है वो भी हमें खास देखने को नहीं मिला है। जहाँ पे द कोर्ट मूवी अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया से 45 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के आसपास का ही नेट कलेक्शन किया है, जिसी के साथ इस मूवी ने अब तक ओवरसीज से भी 45 करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया है। जिन सारे अमाउंट को एक तरीके से टोटल किया जाए तो यहाँ पे द गोट मूवी के फर्स्ट डे का जो वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन होता है वो लगभग 90 करोड़ से लेकर 95 करोड़ के आसपास का चला जाता है। जिस कलेक्शन के सामने इस मूवी का टोटल बजट लगभग 400 करोड़ के आसपास का है, जहाँ पे लगभग 195 करोड़ के आसपास का इसका ओटीटी डील भी हमें होते हुए देखने को मिला है, मतलब कि लगभग 200 करोड़ के आसपास का ये मूवी अपने रिलीज होने से पहले ही कलेक्ट कर चुका है। जहाँ पे अगर ये मूवी जैसे तैसे बॉक्स ऑफिस पे 400 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लेता है तो ये मूवी हिट का टैग ले लेगा, जो कि मूवी आराम से बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट कर सकता है। जहाँ पे मूवी का रिव्यू जो है वो थोड़ा सा मिक्स तो हमें देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं थलापति विजय का जो जादू है वो ऑडियंस के ऊपर चली चुका है, जिसके चलते ये मूवी बहुत ही जल्द बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेते हुए थिएटर से निकल जाएगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों के करीबी थिएटर में क्या द गोट मूवी रिलीज हुआ भी है तो कौन से लैंग्वेज में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।